नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नए अपडेट में। ये बोलेंगे मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों हाजिर हो गया हूँ आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए एक और नया अपडेट लेके, एक और नई अच्छी खबर लेके। जी हाँ दोस्तों, काफी दिनों से काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे काफी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स, और फाइनली गुड न्यूज, अच्छी खबर निकल के आ रही है। बताऊंगा पूरी डिटेल से इस अच्छे अपडेट के बारे में, इस गुड न्यूज के बारे में। उससे पहले आप यार वीडियो को लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। और काफ़ी सारे जो भाई बहन हमसे छोटे बड़े हैं वो वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आप भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज, टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो के ठीक नीचे कुछ इस तरह से रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको दबा लीजिए। जब इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो इसके साथ साथ एक बेल आइकन भी आएगा, इसको प्रेस करके ऑल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लिए, जिससे कि आपको जो है इस तरह के लगातार अपडेट हेल्पफुल नॉलेज वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर, अच्छा अपडेट ये है कि काफ़ी सारे कमेंट भी मेरे को मिल रहे थे पिछले 2-3 महीने से, पूछ रहे थे कि प्रदीप भाई ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए जो इंटरेस्ट देने की यानी कि जो ब्याज देने की घोषणा करी थी कि 8.5% की दर से देंगे, बट जो है दीपावली आने वाली है, नवंबर महीना आ गया, अभी तक हमारे पीएफ अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है, अच्छा अपडेट ये है कि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खातों में यानी कि उनके पीएफ अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 का जो इंटरेस्ट का जो पैसा है यानी कि जो ब्याज का जो पैसा है उनके पीएफ अकाउंट में क्रेडिट करना यानी कि ऐड करना, डालना शुरू कर दिया है। अब आप कहोगे कि भाई आप किस आधार पर ये बात कह रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारी जो न्यूज़पेपर की जो वेबसाइट है, न्यूज़ की जो वेबसाइट है, उन्होंने इस खबर को लगाया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे मैं आपको जो है और जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो hindi.oneindia.com ने इस खबर को लगाया है कि नौकरी पैसा लोगों को सरकार ने दिया तोहफा, खातों में आया पैसा ऐसे चेक करें पीएफ बैलेंस। और ये जो खबर है अक्टूबर 20 2021 की है, और यहां पर देख सकते हो ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्याज खातों में क्रेडिट करना शुरू कर दिया है। इसका लाभ देश के 6.5 करोड़ पीएफ खाता धारकों को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो भी न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूं उनका न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो पूरी डिटेल से। इसके साथ साथ यहां पर देख सकते हो मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है hindi.moneycontrol.com, इसने भी इस खबर को लगाया है कि पीएफ इंटरेस्ट, करोड़ों नौकरी पैसा लोगों के लिए खुशखबरी, खातों में आया पीएफ का ब्याज, तुरंत एसएमएस भेज चेक करें। और ये खबर जो है अक्टूबर 20 2021 यानी कि कल की जो है ये न्यूज है, और यहां पर बताया है कि ईपीएफओ ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का ब्याज क्रेडिट करना यानी कि खातों में डालना शुरू कर दिया है। देश के करीब 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर के खातों में पैसा आना शुरू हो गया है। ठीक है, और यहां पर बताया कि अभी तक कई खाता धारकों को ब्याज का पैसा नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द उनके खाते में भी पैसा आ जाएगा। अब यहां पर इसके और यहां पर एक चीज और बताइए कि देखिए, दरअसल ब्याज की रकम जोन वाइज क्रेडिट होने के कारण कई बार अलग अलग जोन में पैसा क्रेडिट होने में समय लगता है। इसके साथ साथ यहां पर देखिए abplive.com ने भी इस खबर को लगाया कि ईपीएफ इंटरेस्ट, करोड़ों नौकरी पैसा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, खातों में आ गया ईपीएफ का ब्याज, फटाफट चेक करें। ये भी देख सकते हो 6.5 करोड़ नौकरी पैसा लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, ईपीएफओ ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का ब्याज आपके खातों में क्रेडिट कर दिया है। और इसके साथ साथ और देख लो, यहां पर gbiz.com ने भी इस खबर को लगाया कि बड़ी खुशखबरी, मिलने लगा है ईपीएफ ब्याज का पैसा, आप भी चेक करते रहे अपना बैलेंस। और यहां पर hindi.news18.com ने भी इस खबर को लगाया कि 6.5 करोड़ नौकरी पैसा के लिए बड़ी खुशखबरी, अकाउंट में ट्रांसफर हुआ पीएफ का ब्याज, और ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020-21 का ब्याज क्रेडिट करना यानी कि खातों में डालना शुरू कर दिया है, आप भी फटाफट अपने ईपीएफ खाते का बैलेंस चेक कर ले। बाकी ये जितनी भी न्यूज है इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोबारा से पढ़ना चाहते हो पूरी डिटेल से तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ये जो न्यूज की जो वेबसाइट है यहाँ पर इस खबर को लगाया है, बाकी ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो भी वेबसाइट है,
जो भी ईपीएफओ की तरफ से कोई भी सर्कुलर जारी अभी तक नहीं किया है, ईपीएफओ की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ईपीएफओ की तरफ से ऐसी कोई जो है जानकारी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ट्विटर के माध्यम से, ट्वीट करके, फेसबुक पेज के माध्यम से, ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से, सोशल मीडिया की जो भी ईपीएफओ की प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से ईपीएफओ ने अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। बाकी ये जो न्यूज की वेबसाइट है यहाँ पर इस खबर को लगाया है। अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं तो आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि अभी जो है टाइम आ गया है, ईपीएफओ जो ब्याज का पैसा देता है हर साल पीएफ के पैसों पर, वो क्रेडिट करने का टाइम आ गया, क्योंकि ईपीएफओ पिछली कुछ महीनों में जो है श्रम एंड रोजगार मंत्रालय ने जो है अप्रूवल दे दिया था, ठीक है। पेंडिंग कहाँ था, वो पेंडिंग था वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था। अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्ड रहे हैं तो आप जरूर प्लीज चेक कीजिएगा, और आपके अगर पीएफ अकाउंट में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि जो दूसरे पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उनको भी पता चल सके। और एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपके पीएफ अकाउंट में नहीं आया तो आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको घबराने की, टेंशन, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पीएफ का जो इंटरेस्ट का जो पैसा है, ब्याज का पैसा है, ये जितने भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उनके खाते में आएगा। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट होना जरूरी है। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी, आधार कार्ड लिंक नहीं होगा, तो आपका जो है इंटरेस्ट का पैसा, ब्याज का पैसा, आपके पीएफ का जो अकाउंट है, पीएफ की जो पासबुक हम चेक करते हैं वहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो अभी तक अगर आपने अपनी केवाईसी नहीं करी है तो केवाईसी कर लीजिए। और अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं और आपके पीएफ अकाउंट में आपने चेक किया इंटरेस्ट का पैसा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का अगर आ गया है, तो प्लीज़ यार आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आया है या फिर नहीं आया, जिससे कि और जो बाकी पीएफ अकाउंट होल्डर्स हैं उनको पता चल सके। और अगर आपकी केवाईसी सब कुछ ओके है, अगर आपके पीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट का पैसा नहीं आया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, आने वाले कुछ दिनों में जो है आ जाएगा। बाकी आगे जो भी कोई नया अपडेट आएगा, न्यूज आएगी ईपीएफओ की तरफ से, मैं कोशिश करूंगा सारे अपडेट आप सभी के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करूँ। और ये जो न्यूज निकल के आ रही है, इन सभी न्यूज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, दोबारा से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट था आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्प नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और लाइक करने में काफ़ी कंजूसी करते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, बाय, टेक केयर।